नमस्कार, मैं सचिन राठौर, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। महोवा में सड़क हादसे में मदारी और उसके दो बंदरों की मौत हो गई। मदारी का परिवार, जिसमें पत्नी और बेटी सहित सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से तीन की हालत गंभीर है। थाना क्षेत्र कबरई के ग्राम बरबई की सीमा में कबरई से कानपुर जाने वाले मार्ग पर एक टेम्पो एवं हुंडई कार में एक्सीडेंट हो गया, जिससे टेम्पो के में सवार लोग घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार CST कबरई कराने के उपरांत जिला चिकित्सालय महोबा लाया गया। रहमत, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी औरैया की मृत्यु हो गई, तथा तीन अन्य घायल जिनकी हालत खतरे के बाहर है, बेहतर इलाज हेतु बांदा रेफर किए गए हैं। अन्य घायलों की स्थिति सामान्य है। महोवा में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नगरपालिका में अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौरसिया और EO अवधेश कुमार ने सभी कर्मचारियों और सभासदों को शपथ दिलाई। पेंशनर्स और पत्रकारों की इस मुहिम को जरूरी बताते हुए जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। फिरोजाबाद के सूर्य होटल में सर्वधर्म गुरुओं ने प्रेस वार्ता आयोजित की। सभी ने एकता और शांति की शपथ ली, संदेश देते हुए कि वो अपने शहर और देश में शांति भंग नहीं होने देंगे। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सोनोली के पगडंडी मार्ग से एक विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ की, जिसमें वो ब्राजील का निवासी पाया गया। अवैध घुसपैठ के मामले में 14 विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये गिरफ्तारी सोनोली कोतवाली क्षेत्र के फरेनिया में हुई है। बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र से के गांव एडवा में अधेड़ व्यक्ति छोटेलाल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के साले ने लोकेंद्र और उसकी पत्नी पर जहरीला पदार्थ देने का आरोप लगाया है, जिसमें उससे उसकी मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच पड़ताल में जुटे। श्रावस्ती में कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें 78 जोड़ों ने विवाह किया। 73 हिंदू और 5 मुस्लिम रीति रिवाजों से लाभार्थियों को 51,000 की धनराशि और उपहार दिए गए। श्रावस्ती में अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और एम्बुलेंस सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची। युवक को जिला अस्पताल भिनका ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिर्जापुर वाराणसी मार्ग पर स्कॉर्पियो के इंजन में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे परिवार के 8 सदस्य बाल बाल बचे हैं। वाहन स्वामी संतोष कुमार पटेल ने बताया कि दूसरे वाहन चालक ने उन्हें धुएं की सूचना दी। बिजनौर में प्रेमी प्रेमिका की मामूली कहासुनी मौत में तब्दील हो गई। सालों का प्यार पल भर में टूट गया। प्रेमिका ने जहरीला पदार्थ खाकर मौत के गले लगा लिया, जबकि प्रेमी ने भी संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी करने की कोशिश की। गनीमत रही कि ऐन वक्त पर उसकी जान बच गई। फिलहाल प्रेमी अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि पुलिस के अफसर कई पहलुओं पर गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। थाना रेहड़ के उदयपुर गाँव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के द्वारा पॉइजनिंग कर ली गई है और उसकी डेथ हो गई है। इस सूचना पर जब तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सत्यता की जांच की, तो पता चला कि उसी गांव के एक सजाती लड़के से दोनों में प्रेम प्रसंग था। आपसी कहासुनी के बाद लड़के ने हैंगिंग का प्रयास किया। यह सूचना जब लड़की को मिली तो लड़की के द्वारा भी पॉइजनिंग कर ली गई। लड़की को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया तथा लड़की की हालत सामान्य है। बाद पंचायत थाना पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। सभी बिंदुओं की गहराई से जांच कर विधिक कार्यवाही सूचित करें। उन्नाव में UAE की एक्वा कल्चर कंपनी की 3 सदस्य टीम ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निरीक्षण किया। टीम ने सराय कटियान गांव में मछली पालन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्षेत्र का भ्रमण किया और मिट्टी और पानी के सैंपल लिए। फतेहपुर के कटोघन टोल प्लाजा में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयवादी के प्रदेश उपाध्यक्ष शाहिद शेख की अगुवाई में किसानों ने महापंचायत की। किसानों ने अवैध वसूली और बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाते हुए 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार खागा को सौंपा। शैला रानी रावत सामाजिक सेवा ट्रस्ट ने चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि रहे। मंगलवार को अगस्त्य मुनि किरणा हॉल में आयोजित समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ऐश्वर्या रावत ने कोश्यारी का भव्य स्वागत किया, जिसमें ढोल नगाड़े और छोलिया नृत्य का भी आयोजन किया गया। कोश्यारी ने ऐश्वर्या के समाज सेवा की सराहना की और प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करने वाले 30 छात्रों को सम्मानित किया। हाँ, ये प्रतियोगिता हमने उस समय
माननीय धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया था, जिसमें 2000 से ज़्यादा बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उस प्रतियोगिता के जो विनर्स थे उनका आज हमने अनाउंसमेंट किया। इस अनाउंसमेंट में सबसे बड़ी बात रही हमारे माननीय कोश्यारी जी की उपस्थिति। जब मैं उनसे मिलने गई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्रतापगढ़ में बेला गांव के पास चलती बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे बाइक सवार बाल बाल बच गए। घटना में बाइक जलकर राख हो गई। रामपुर बवाली की ओर जा रहे थे बाइक सवार। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस भी मौके पर पहुंची। श्रावस्ती में आकांक्षी जनपद शैक्षिक योग्यता समिति के नेतृत्व में शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भिनगा कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों शिक्षकों ने गृह जनपद स्थानांतरण की मांग उठाई, जिनमें कई सालों से दूर रहकर सेवा दे रहे शिक्षक शामिल थे। उन्होंने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन भी दिया, क्या मांगे? हमारे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से केवल एक ही निवेदन है कि हम सभी महिलाएं और पुरुष भी अपने मूल जनपद से 10 साल से हम लोग यहां पर सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारा भी स्थानांतरण किया जाए। हम लोग भी अपने घर वापस जाना चाहते हैं और अपने घर पर भी सेवा देना चाहते हैं। फरुखाबाद की छात्रा जानवी अवस्थी, जो 85% अंकों के साथ हाईस्कूल पास कर चुकी है, मिशन शक्ति के तहत एक दिन की सीएमओ बने। उन्होंने सीएमओ कार्यालय में व्यवस्था देखी और सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार के साथ जिला अस्पताल लोहिया का निरीक्षण किया। जालौन में तेलु भोज कार्यक्रम में शामिल होने वाले करीब 70 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिससे हड़कंप मच गया। सभी को पेट दर्द, उल्टी, दस्त की समस्याओं के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही एसडीएम, सीईओ और विधायक मूलचंद रंजन अस्पताल पहुंचे। यह मामला कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम बरौदा कला का है। श्रावस्ती में गौश्र केंद्र में गौवंशों की बीमारी और मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच के बाद डीएम अजय द्विवेदी ने खुलासा किया। निरीक्षण के दौरान कुछ गौवंशों की मौत के कारण सामने आए हैं। ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि सचिव और डिप्टी पशु चिकित्सा अधिकारी को निलंबित किया गया है। जांच में भ्रामक बयान देने वाले लोगों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 4 अक्टूबर को जनपद श्रावस्ती की ग्राम पंचायत भूसा में संचालित गौशाला में ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गौवंश बीमार हो गए। उसमें मौके पर जाकर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। प्रातःकाल ये बात संज्ञान में आई कि उस ग्राम पंचायत के कतिपय लोगों ने उनको हमने चिन्हित कर लिया है। उनके द्वारा मीडिया को भ्रामक बयान प्रस्तुत किए गए और गौवंश की मृत्यु की संख्या में अनर्गल जो है नंबर और बयान दिए गए, जिससे कि जो है उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया। इन लोगों को चिन्हित कर लिया गया, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई जो है की जा रही है। इस पूरे प्रकरण की अब जांच पर्यान की है, स्पष्ट हो गया है कि 12 गोवंश की मृत्यु हुई थी और 20 से 25 गोवंश जो गंभीर रूप से भी। हरदोई में सिंडीला सीएचसी के अधीक्षक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर शरद वैश्य अब चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। अधीक्षक ने दवाओं की कमी, प्रमोशन में रुकावट और अन्य समस्याओं का जिक्र करते हुए इस्तीफा दिया। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।